अभी हम राजस्थान के उदयपुर इलाके जिले में हैं और महाराणा प्रताप की धरती, बेसिकली धरती महाराणा प्रताप की है, संघर्षों की भूमि है ये। राजस्थानी बताते हैं कि पानी कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन जब बिल्कुल ही ना हो तो ये फिर उससे लड़ा कैसे जाए। यहाँ के लोगों की बड़ी समस्या है कि विधायक तो हम अपना चुन लेते हैं, मोदी और योगी के नाम पर चुन लें, लेकिन हमारा विधायक यदि काम ना करे तो फिर क्या हो। आप लोग लगातार कह रहे हैं हमें तो चाहिए योगी जैसा नेता, बालक नाथ का चेहरा बताओ, हम तो तैयार है बीजेपी साथ। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि विधायक तो आपने बीजेपी का ही चुना है, लेकिन फिर भी विधायक तो बीजेपी का चुना लेकिन काम नहीं हो रहा, ऐसा बता रहे हैं। काम नहीं हो रहा, विधायक बीजेपी का है लेकिन काम नहीं हो रहा। बीबी ये सर हमारे गांव में दो हेडपंप लगे हुए हो, देख लो, एक तो आपके सामने वो रहा, देखो आप ये हेडपंप है पीछे और इस तरफ भी एक तरफ दिखाइए, ये गाड़ी के पीछे से चौड़ा है पे, नहीं मेन रोड देख लो आप, मेन रोड है। और ये मेन रोड कहाँ का है? ये मेन रोड कुंभलगढ़, मतलब जो ऐतिहासिक भूमि महाराणा की है, उसको जोड़ता है ये। इस रोड की हालत देख लो आप, अब देखिए इस रोड की हालत, ये लोग शिकायत कर रहे हैं। लगातार बिल्कुल, और हम लगातार देख रहे हैं तो काफिला है। हाँ जी, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ है, जो पर्यटक गुजराती इधर से आते, देख लो ये मेन रोड देख लो आप, हालत देख लो। और ज्यादातर गुजराती जैन जो पैसे वाले लोग यहाँ ट्रस्ट है, सब गुजरात से आते हैं ये सब। ये देख लो आप, ये मेन रोड देख लो आप, कुंभलगढ़ के लिए आते हैं, जो इसमें से देख लो आप रोड की है। क्या पानी की भी समस्या? पानी की समस्या, हमारे यहाँ पे बांध है भी नहीं, यहाँ का पानी जो मारवाड़ में जा रहा है, इधर का पानी है जो राजसमंद में जा रहा है, हमारे यहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है। सर हमारा एक बहुत बड़ा डैम है, यहाँ पे फूट गया, नीचे से लीकेज है, 10 साल हो गया उसी की मरम्मत अभी तक कोई किसी ने नहीं करवाई है। अभी वो डैम खाली हो गया होगा शायद, खाली भी बोलिए आप, खाली अभी खाली है वो। तो आप विधायक से आप लोग मांग नहीं करते क्या? करे कैसे, मांग कैसे करे सर बताओ सर, आप सरपंच नहीं सुनता है, कोई विधायक नहीं सुनता है, कौन सुनेगा बताओ आप मेरे को। लेकिन आप लोग मजबूर है कि भाई वोट तो मोदी को, योगी के। हाँ बस बस, वोट फॉर मोदी, मोदी के साथ में हम विकास चाहते हैं हम। टोल ले नंबर ओवर आप सब आते हैं। आपने तो अभी बताया कि आप लगातार शो देखते हैं मनीष ठाकुर। हाँ बिल्कुल, डेली देखता हूँ मैं तो, डेली आप मुझे देखते हैं। देखता हूँ, चलिए एक व्यूअर कम से कम महाराणा प्रताप की भूमि पर भी ऐसे व्यवस्था सही से सुकुहार से लेके जा रहा है, इसकी सुनवाई होगी नहीं होगी मेरे को बताना आप वापस। अरे देखिए ये शिकायत लोगों की है, और लोग आज के दौर में सोशल मीडिया के दौर में भी ये लोग कहते हैं कि बात नहीं सुनी जाती है। तो चलिए चाय जरूर पियेंगे, लेकिन आप लोगों की समस्या का यदि समाधान नहीं हो, सवाल ये है कि यदि आप लोग विधायक चुने और विधायक काम नहीं करे तो फिर मोदी योगी कैसे काम आएंगे आपके? तो सर ये तो अभी एमएलए बीजेपी का, अभी सरकार कांग्रेस की सर, केंद्र में। अच्छा नहीं, राज्य में जो सरकार है कांग्रेस की है, एमएलए हमारा है जो बीजेपी का है। तो आपका कहना है कि सिर्फ एमएलए चुनने से नहीं होगा, जब तक राज्य में हमारी सरकार नहीं होगी हमारी बात नहीं चुनेगी, तो आपको इसीलिए सरकार नहीं होगी तो काम नहीं होगा। हाँ डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो काम नहीं होगा। अब लाइन पे आ गया, हमारे पार्टी से कोई लेना नहीं, मोदी राजधानी डबल इंजन की सरकार है, राजधानी के अंदर डबल इंजन की सरकार के भी अब की बार। हाँ डबल इंजन की सरकार होगी, मतलब आप लोग चाह रहे कि डबल विकास चाहिए हमको, विकास चाहिए हमको। ये देख लो आप, अब एरिया देख लो, ये आप आए हो उदयपुर से, आप कहाँ से आए हो? अली से हैं, ये मेन रोड है, ये सुनना जी, फालना से मारे, फालना जो गुजरात से आते SBI बैंक है हमारे गांव में, SBI बैंक बहुत बड़ा। सर मेरी बात सुनो, हमारे गांव में जो गुजरात से जितने भी टूरिस्ट रोड आते हैं ना, श्रीनाथ जी और कुंभलगढ़, जो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ है, जो ये रोड देख लो आप, मेन रोड को, ये सहरा से भानपुरा रोड, ये देख लो आप रोड की हालत देख लो, जो 1 किलोमीटर की, ये देख लो। अभी उदयपुर नहीं है, अभी फालना से है, फालना से। मोदी और मोदी के साथ में रहेंगे, मोदी के साथ में हम। तो आपको लगता है कि आपका विधायक किसे, आपका विधायक इसलिए नहीं काम कर पा रहा है क्योंकि राज्य में सरकार उनकी कांग्रेस की है, कांग्रेस की सरकार, इसलिए काम नहीं हो रहा है। तो हर हाल में आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार भी मुद्दा है क्या यहाँ? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में और हमारा गाँव अव्वल है और भ्रष्टाचार में। और ये जो कन्हैया कुमार, कन्हैया जी वाला मामला हमारा, ये हत्या जो हुई है उदयपुर की हुई है। तो हर हाल में आप लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, है ना? बदलाव हो, बदलाव हो, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं हम। चलिए
यहाँ की जनता भी लगातार चाह रही है कि हर हाल में बदलाव हो। ये देख लो आप, आदिवासी बेल्ट है हमारे, आदिवासी बेल्ट है, ये व्यवस्था देख लो आप, रोड की व्यवस्था भी नहीं है आदिवासी बेल्ट में। अच्छा, ये आदिवासी बेल्ट है? हाँ, आदिवासी बेल्ट है यार, टीएफसी बेल्ट है ये हमारा, ये गोगुंदा तहसील टीएफसी में बनी हुई है। स्कूल की सुविधा नहीं, हॉस्पिटल में देखो आप स्टाफ है जो डॉक्टर कभी आते भी नहीं, यहाँ पे डॉक्टर आते नहीं है, प्रशासन को कहते हैं सुनते नहीं है। लेकिन दो तीन टीचर ही है सर, स्कूल स्कूल तीन टीचर है सर। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 5 करोड़ में ये हॉस्पिटल बनाया हुआ है जैन लोगों ने। 5 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया हुआ, 3 स्टाफ है स्कूल में। के पापा क्या करें, स्कूल में जाके क्या करूं मैं, वो मास्टर ही नहीं है, वो मास्टर भी है तो प्राइवेट है, क्या सरकारी स्कूल में प्राइवेट मास्टर, वो भी है वो फर्जी लाके बैठा। शायद सहायक है, मतलब पंचायत सहायक जो स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, जो 10वीं 12वीं पढ़े हुए वो लोग पढ़ा रहे हैं हमारे 12वीं तक स्कूल में, मतलब जो टीचर खुद पढ़ा हुआ 10वीं, दसवीं पढ़े हुए। गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोल रही है मिडिल स्कूल की है, मिडिल स्कूल की अगर हुए मिडिल स्कूल को 12वीं तक, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय भानुपुरा की है उसमें टीचर, दो टीचर जो सहायक कर्मी लगे हुए, वो सहायक कर्मी जो पंचायत के सहायक काम करने वाले 10वीं 12वीं पढ़े हुए उनकी डिग्री है, वो आज 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारी क्या शिक्षा होगी? आप क्या करते हैं? हम आम आदमी है, हम गाँव के। अच्छा, रोजगार समस्या है? रोजगार की तो बहुत समस्या है। ये देखिए राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा देश भर में रोजगार रोजगार की बात करते हैं, यहाँ के अपने राज्य में उन्होंने क्या करके दिया है? कुछ भी नहीं किया सर। अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन है 3 साल से हम सबको किसी को पता ही नहीं है सर। महीने में एक बार मोदी आएगा जब सब होगा। मोदी डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। और ये देख लो आप हालत, देख लो ये कुमलगढ़ का मेन रोड है, ये हालत देख लो आप। बिल्कुल, हम देखते हैं जहाँ है हालात बहुत खराब है। देखो और स्कूल की हालत देखो सर, वापस आना, आपको वापस आना पड़ेगा इलेक्शन के बाद, वापस आना, इंटरव्यू वापस लेना हमारा, ठीक है? आप ठीक है सर, जरूर हम जरूर वापस लौट करके आएंगे। हॉस्पिटल की और स्कूल की बात पहुँचाना, अभी तो नहीं पहुँचा, कोई बात नहीं आप। हाँ, ये हॉस्पिटल की और स्कूल की, मतलब हॉस्पिटल और स्कूल की। हाँ, हॉस्पिटल बनाया हुआ है हमारा, करोड़ों रुपए का खर्च किया हुआ हॉस्पिटल, आज नर्सिंग स्टाफ नहीं है वहाँ पे। सर एक बार आप हॉस्पिटल चलोगे हमारे साथ, देख लो हॉस्पिटल के चलोगे सर आप हमारे साथ में, चाय पिलो, चाय पिलो, आप चाय मिनट का रास्ता है, चलो चाय पिलो, आप चाय पिलो, आप आराम से चाय पिलो, चाय पिलो। लगातार काफिला हम देख रहे हैं कि गाड़ियों का जीत दिखा पाए, कंटिन्यू ये टूरिस्ट रोड है, और विशेष रूप से इस तरह के देखिए किस तरह के टूरिस्ट है जो है, लगातार ये टूरिस्ट प्लेस है। और ये देखिए कि लगातार कंटिन्यू, और ये स्थिति है, मतलब आपके पास इतना बेहतरीन टूरिज्म इलाका है उसके लिए भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है ना, ये कमाई का यदि यदि सर अगर ये रोड डबल हो तो हमको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा? हैं, हम हमारी संपत्ति, हर चीज सिर्फ सरकारी रोड नौकरी थोड़ी होती है। किसके नौकरी? मेरी नौकरी नहीं है सर। आप बिल्कुल बताइए, ऐतिहासिक अस्पताल में चलो, अभी देख लेता माहौल कैसा है। देखो ये 40 जन खड़े हैं, उसमें से एक को भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई नहीं है यहाँ पे, देख लो ये आप कितने जने खड़े, मतलब। और यदि ये इतना हिस्टोरिक ऐसा हिस्टोरिकल पैलेस है, और यदि जबकि महाराणा की भूमि है, कुंभलगढ़ किला है, कायदे से आप लोगों के लिए रोजगार का तो माला माल होना चाहिए था। यदि सड़कें ठीक होती, सुविधाएं होती तो इधर से जाएंगे सर। आगे जाना, अब राजसमंद आएगा, उधर देखना आप, उधर आपको 12 बजे उठ के रास्ता बताता हूँ। लाइट लगाते वो भी नहीं है, रात पहली बात पहली 12 बजे उठ के मैं रास्ता बताता हूँ पर्यटक को, यहाँ पे मेरा दरवाजा खटखटाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कहीं कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं उठाता है। और ये देखिए राजस्थान की सवारी, और आज भी जो है यही सवारी है, ये देख लो आ कंडीशन है मार्ट कुंवरी, हां देख लो न्यूज़ में मारो ये सर, हमारा कहता ढाकर 3 जिलों का पॉइंट आया हुआ है, ये 3 जिलों का पॉइंट है। ये पाली डिस्ट्रिक्ट, ये सीमा जो है पाली डिस्ट्रिक्ट की है, इस सीमा से 2 किलोमीटर पाली सीमा हो जाती है, ये राजसमंद, यहाँ से 2 किलोमीटर बाद में राजसमंद, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव है, जो कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव ये बानपुरा है, गोगुंदा तहसील का लास्ट गांव ये बानपुरा है, 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में आया हुआ है, 3 जिलों का लास्ट गांव ये बानपुरा है, यहाँ सीमा समाप्त होती है, देख लो लास्ट में हम लास्ट में है, ये कोई सुविधा नहीं है, देख लो आप लास्ट में, हम उदयपुर लास्ट में, तो लास्ट में है। महिलाएं नहीं सर, जो हमको पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई टीचर भी नहीं है, ठीक है, नहीं तो हमारे को रोजगार भी है, कुछ भी नहीं है, हमारे लेडीज के लिए कुछ भी नहीं है, इधर नहीं है, किसी और लोगों के लिए भी है, कोई सुविधा नहीं है इधर, जबकि ये 3 जिलों का केंट सेंटर है। नहीं नहीं, लाइट भी ऐसी काट देते ना, लाइट भी कभी रहती भी नहीं है, कभी भी नहीं डीपी है इधर, नहीं लाइट नहीं, हॉस्पिटल में कोई है नहीं डॉक्टर अभी। अच्छा, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई नहीं रहता, डॉक्टर है भी नहीं, बिल्कुल भी।
देखिए क्या क्या समस्या हो रही है आप लोग कह रहे हैं तीन जिले का है, कहीं कहीं बोट नहीं आने जाने, बड़ी सुविधा असुविधा हो रही है। वो तो प्रॉब्लम है, पर अभी तो मैं एक रिसोर्ट बोल रहा हूँ शिवबाग करके। एक किलोमीटर आगे है ना, क्योंकि बोर्ड और रास्ते खराब है, इतने गुजराती लोग आते, कोई रास्ते का ठिकाना नहीं है। रोड कैसा, रोड कैसा है? वही मैं रास्ता पे बोल रहा हूँ ना, रोड कैसा, रोड रोड बेकार है। बस देख लो, अब इन्होंने खुद ही कहा कि रोड बेकार है। और ये काफिला ज्यादातर आप देखेंगे तो गुजरात नंबर की गाड़ियां हैं। आगे भी देखिए, पीछे भी देखिए, ये देखिए जितनी गाड़ियां हैं आपको, वो गुजरात नंबर की गाड़ियां हैं। मतलब यहाँ के लोग कहते हैं कि गुजरात इनके कमाई का साधन है। ज़्यादातर आप देखिए जीजे सब गाड़ी आपको ज़्यादातर गुजरात नंबर की, ये गाड़ी जा रही है वो भी गुजरात नंबर की। तो यहाँ के पब्लिक का कहना है कि गुजरात इनके कमाई का जरिया है, गुजरात से इतनी गाड़ियाँ आती है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है। और रोजगार यदि आज यहाँ होता, यदि टूरिस्ट पैलेस यदि बताया गया होता, आप गुजरात से आए, गुजरात से आए, ज्यादातर गाड़ी तो गुजरात की दिखाई देती है। मतलब इन लोगों के लिए आप लोग जो है रोजगार के बड़े साधन है, फिर भी कोई सुविधा नहीं है। नहीं है, नहीं है। क्या क्या परेशानी हुई है यहाँ पे? अरे सर, रास्ता बहुत आगे टूटा हुआ है, रोड पे कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा। हम गूगल, हम भी आ रहे हैं, और गूगल भी फेल हो रहा है यहाँ, गूगल भी फेल हो रहा है, और गूगल से अभी चल के आ रहा है लेकिन आधे में कभी नेट छोड़ देता है। मैं खुद दिल्ली से आया हूँ, तो अभी फालना से आ रहा हूँ, लगातार इस तरह की परेशानी है कि बार बार लोगों से पूछना पड़ रहा है। तो ये समस्या है। ज़्यादातर हमने देखा कि लगभग 80-90% जो गाड़ियाँ हैं वो गुजरात नंबर की थी। तो मतलब गुजराती इन लोगों के, राजस्थानियों के लिए इन इलाकों में रोजगार का एक बड़ा जरिया है। और इनकी शिकायत ये है कि तीन जिलों का ये तिराहा है। कौन कौन सा जिला एक बार फिर से बता दीजिए? पाली जिला, यहाँ से 2 किलोमीटर पाली जिला स्टार्ट हो जाता है, 5 किलोमीटर बाद में पाली डिस्ट्रिक्ट है डायरेक्ट, यहाँ से राजसमंद 2-3 किलोमीटर बाद में राजसमंद, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गाँव है पानपुरा। और ये हालत है, ये हालत, ये हालत। अब इनकी समस्या है कि यदि कम से कम सड़कें सुधारी गई होती, यदि कम से कम यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती कि कहीं कोई बोर्ड नहीं, मतलब राजस्थान सरकार ने इस टूरिज्म पैलेस को कोई गंभीरता से नहीं लिया। जबकि महाराणा प्रताप तो देश, महाराणा प्रताप देश के गौरव है, राजस्थान के लिए तो मेवाड़, मेवाड़, मेवाड़ देख लो आप, उदयपुर में, उदयपुर मेवाड़ की धरती है, महाराणा प्रताप की जन्म भी जर्जर हो रहा है, महाराणा प्रताप मेवाड़ में आपके हिसाब से देख लो ना आप, किले भी मरम्मती नहीं हो रही है। चलिए, समस्याओं का जो है, समस्याओं का जो है अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। और इनकी शिकायत ये है कि राजस्थान के लोग जितनी बड़ी संख्या में यहाँ से आते हैं, राजस्थान में गुजरात के लोग, उन्हें बहुत असुविधा होती है। और यदि उन्हें ये टूरिस्ट को यदि सुविधा हो, जो पर्यटक हैं यदि उन्हें सुविधा हो, तो इनका रोज़गार बढ़ेगा। फिर इन्हें जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि रोज़गार नहीं, रोज़गार नहीं, सरकारी नौकरी हर चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं होती है। यदि यहाँ पर सुविधाएँ टूरिस्ट को हो, यदि पर्यटक महसूस करें, तो फिर दोबारा आएँ, तिबारा आएँ। चूँकि ये महाराणा की भूमि है, तो ऐसे भी लोग आते हैं। ये लोग हर हाल में चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत की विदाई हो और सरकार बीजेपी की हो, डबल इंजन की सरकार की डिमांड ये कर रहे हैं। अब चुनाव में इन्हें तय करना है कि क्या ये डबल इंजन की सरकार लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।